अच्छा मैं जब से आया हूँ मुझे हर जगह कटरीना ही दिख रही है। लेकिन ये तुम्हारी हंसी अर्चना जी जैसी क्यों हो रही है? गौर से देख कपिल, मैं ही हूँ अर्चना। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। ये होता है औरा, देखो आप। आज मुझे आपके अंदर कटरीना दिख रही है, नहीं तो आपके अंदर से हमेशा मुझे गोगा कपूर दिखता रहा। एनीवे, इस चक्कर में अपना मैं मेन काम ना भूल जाऊं। आज देखो, आज हमारे प्रोड्यूसर आ रहे हैं। आप में से किसी को कंप्लेंट हो तो बताना नहीं। तुम लोगों को कोई कंप्लेंट है कि प्रोड्यूसर के सामने मुंह नहीं खोलना? और किसी को कोई कंप्लेंट हो? मुझे है। इधर मेरी नींद नहीं पूरी होती, तुम अपना मेला लगाकर बैठ जाते हो। यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेडरूम में तो आते आते थे, मेरे किचन में भी तुम आ गए हो। ये किचन है तेरा? किचन देख लो, एक लोटा पड़ा हुआ है। हाँ। चेन वाला लोटा? ओए, ये तो ट्रेन में होता है। वहीं से तो लेकर आया हूँ। ये चेन के साथ बंधा हुआ था। हाँ। उनकी चेन छोटी थी। हाँ। तो मैंने रेलवे वालों को चिट्ठी लिखी। हाँ। मैंने कहा आपका जो लोटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने बड़ा ही रूड जवाब दिया मेरे को आगे से, कहते अपनी डेस्टिनेशन लोटे तक ले जाओ। फिर मैं लोटा काट के घर ले आया। तुझे शर्म नहीं आती ट्रेन में से लोटा उठा के ले आया? तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, वहां पर लिखा ही होता है रेलवे आपकी संपत्ति है। बेवकूफ आदमी, तेरे जैसे लोगों की वजह से रेल की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हाँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा यहाँ पे ना सोया कर। तो मैं अकेला इधर रहता हूँ, अर्चना जी भी तो इधर ही रहती है। हाँ। अच्छा? हाँ, बिल्कुल। उनको डर रहता है मैं ना फ्रूट खा जाऊं, मुझे डर रहता है ये ना फ्रूट खा जाए। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके फ्रूटों का टोकरा इधर बचा हुआ है। इधर एक संतरा ले, निकल इधर से। एक संतरा ले, निकल इधर से। मुझे भी पता है आज इधर सलमान और कैटरीना आने वाले हैं। और उसी हिसाब से मैंने अपना प्रोटोसोल सेट किया है। प्रोटोसोल क्या, क्या सेट किया है? यार वही जो बड़े लोग करते हैं किसी को मिलने से पहले कि... प्रोटोकॉल। चलो क्या सारी बातें छोड़ो। हाँ। जैसे ही सलमान भाई अंदर आएंगे पहले चार पांच बातें मैंने करनी है। हाँ, वो रोवेक भी नहीं सुनेंगे वो। वो तो उनका प्रोटोकॉल है ना, वो छोड़ो। हाँ। और मेन बात पे ध्यान दो, अगर कैटरीना बोले कि यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी स्मार्ट, तुमने जेलसी नहीं करनी। आप लोग जाओ, कोई शो नहीं हो रहा। तुझे कैटरीना बोलेगी तू क्यूट लग रहा है? तो क्यों नहीं बोलेगी? सुन मेरी बात। हाँ जी। कैटरीना और सलमान आ रहे हैं। हाँ। सोनी साहब का मैसेज आया खास तेरे लिए। सोनी साहब ने बोला है कि जब भी सलमान और कैटरीना इधर आए, तूने इधर आना ही नहीं है। देखो मैं तो उनकी बात मान जाऊं लेकिन मेरे फैंस नहीं मानते। उन्होंने ट्विटर पे हैशटैग चलाया हुआ है, आएगा तो चंदू ही। वाह। चल चल भाग इधर, भाग चल। ए सपना, मेरे को क्यों मार रही है? एक तो मसाज नहीं की। अबे सलमान आ रहा है, सलमान तुझे लगता है मैं तेरे जैसे लुखे का मसाज करेगी? भाग। तो फिर मुझसे पैसे क्यों लिए? तब मेरा मसाज का मूड था, अभी नहीं है। अभी मूड नहीं है ना मसाज का? हाँ। तो मेरे पैसे वापस कर। पैसे देने का भी मूड नहीं है। ए सपना, ये सब नहीं चलेगा इधर, समझी ना। ए समझी ना, ज्यादा वट मत दिखा मेरे को। तू मेरे भाई को जानता नहीं, कृष्णा को मालूम है? उसका मामा गोविंदा है, गोविंदा। चल भाग इधर, भाग 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 भाग। हाय कप्पू, कैसे? अरे मैंने सुना सलमान आ रहे ले। मैं क्या करूं? बोलना। खबरदार, अगर शेरा से भी बड़ा मुंह लेके सलमान खान के पास आई तो। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अपना मुंह छोटा करवा लेगी। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है मालूम है। अच्छा? वैसा ना पाइप डालते और सारा फैट जो है चूस लेते। अरे अरे भिखारी बाबा कैसे? मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर आपको सलमान भाई के गुड बुक्स में रहना है ना। हाँ। तो इसका किसी और शहर में ट्रांसफर करवा दो। मैं किसी और शहर में क्यों जाऊंगा, किसी और फैमिली की औरत? इधर हटो कप्पू। हाँ? सलमान भाई इधर आ रहे हैं, मैं तो उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इधर हैंडपंप लगवा दें। हफ्ता 10 दिन के बाद तो नहाना पड़ता ही ना बंदे को। अरे नहाने का इंतजाम मैं कर देगी। हाँ। नाला सुपर में मुकेश का डुक्कर वॉशिंग सर्विस, उधर कर लेने। कप्पू मैं डुक्कर के साथ नहाऊंगा? यही बात डुक्कर पूछ रहे थे, हम चंदू के साथ नहाएंगे। आपको पता है एक बार सूरों के साथ नहाने भी गया। हाँ। उनका बड़ा वाला सरपंच आया। हाँ।
मुंह में गंदा पानी भर के इसके मुंह में पिचकारी मार के गया। फ्रेंडशिप। ए हट रे कप्पू, मैं क्या बोलती हूँ, जब ये लोग आएंगे ना तो आप कटरीना को बातों में बिजी कर देना, मैं ना सलमान को पार्लर में ले जाके उसका मैसेज करेगी। सलमान भाई कटरीना जी को छोड़कर इस डिश एंटीना जी के साथ जाएंगे। अबे ओ भिवंडी के भिखारी, ज्यादा बकवास की ना, मिट्टी के तेल से मसाज करके तेरे को वेल्डिंग की दुकान में छोड़ देगी। फिर ऐसी जगह जगह से चिंगारी निकलेगी ना तेरी, तो पता चलेगा तेरे को। बड़ा एलआई है। सलमान सर आ गए। मालिक बोल। बुरी, आज तुम मेरी मोहब्बत देखना। शट अप, खबरदार मुझसे मोहब्बत की बात की। और तुमसे नहीं, मैं कटरीना जी की बात कर रहा हूँ। तुम ना ये जो बेवकूफ वाली बातें करते हो ना, इसीलिए तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है। और तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है कि तुम्हें बेवकूफ वाली बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे छोड़ छोड़, कैसी बात करते हैं लोग, तू टेंशन मत ले। ये लड़के लोग ऐसे ही रहते हैं, जब भी कोई खूबसूरत लड़की आती है ना तो बदसूरत लड़की को भूल जाते हैं। अरे वाह, मैं फर्स्ट टाइम नोटिस किया। एक बार उधर बोल। क्या? शट अप सपना। इसके होंठ देखे आपने, इसका जो पाउट है ना एकदम बेबी डुक्कर के जैसा है। सेम। मैंने कभी नोट नहीं किया, सेम है। है ना? थैंक यू। थैंक यू वाली कोई बात नहीं, जब वही डुक्कर बड़ा जाता है बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। ओए डुक्कर पार्टी, बाहर फ्रेश कीचड़ डाला मैंने, चलो जाके स्विमिंग करो। अरे वाह, अरे हाय हाय हाय, अरे यार अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि आप सभी यहीं पे मिल गए, हमें जरा अपने जोक्स में आज टेस्ट करने हैं। अच्छा, टेस्ट? टेस्ट मतलब? नहीं मतलब क्या, सलमान खान जी कैटरीना जी आ रहे हैं, हम नहीं चाहते उनके सामने कोई हल्का जोक पेश हो जाए। तो ट्राई कर लेते हैं, हम सुनाते, जरा बताइएगा कैसा लगा। लेकर आया एक हाथी तीन चींटी से, तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? चीटी हाथी से, नहीं हम अकेले पे वार नहीं करते। मैं जा रहा हूँ ऐसे जोक सुनाने। तो क्या हंसी नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। तेरे पिछली बार भी तीन चार जोक खराब गए थे, मैंने लिख लिया, मैं सारा हिसाब किताब देने वाला प्रोड्यूसर का। नहीं, 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 आज का जोक फिर खराब। नहीं, 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 ऐसा ऐसा मत करो यार, लास्ट टाइम भी चार लोग तो हंसे थे, वो उधर जो पीछे बैठे थे वो वाले। वैसे हम बहुत नर्वस है, कैटरीना जी आ रही है ना। वैसे आप लोग एक बात बताइए, एकदम जो सुबह सुबह जो सपना देखता है इंसान, वो सच होता है क्या? क्यों? क्योंकि आज सुबह हमने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। लेकिन मेरे को जो सपना आया वो तो उल्टा था। क्या? मैंने देखा मेरे सपने में कैटरीना ने शेर आया और वो तेरा पनीर निकाल रहा था। ना ऐसा हो कैसे सकता है, खाया हमने जब राजमा तो पनीर कैसे निकलेगा? शेरा का पता नहीं, लेकिन जब मैं दीदी को बोलूंगी ना आपकी इन हरकतों के बारे में, आपको घर से जरूर निकाल देंगी वो। जल्दी निकालो जल्दी, मैंने तुम्हारे घर में शिफ्ट होना जल्दी। देखो चंदू, आज का दिन ना सब माफ है तुम्हें, क्योंकि आज हमारा सारा फोकस कैटरीना जी के ऊपर है। कपूर शर्मा देखिए, एक बार वो आएंगे ना तो एक तरह 45 मिनट्स थोड़ा हमें अलग से उनके साथ दीजिएगा। आई वॉन्ट सम पर्सनल स्पेस विथ हर। जीजू नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, ये धमकी वमकी कुछ नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले तुम्हें घर से बाहर निकाल दे हम, प्लीज प्लीज। अच्छा। आप इतना हैंडसम लग रहे हो आज। इतनी तारीफ, क्या बात क्या आज? मैंने सुना सलमान जी आ रहे हैं, प्लीज मुझे उनसे मिलवाओ ना। देखो चिंगारी, सलमान खान आते साल में एक दो बार, मैं रहता हूँ रोज इधर, मेरे से क्यों नहीं मिलती? क्या बात है, क्या बात है यार, देखिए हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पाती। हाँ, मेकअप में भी इनका काफी खर्चा होता है। अब क्या हुआ आपका हिसाब किताब? प्यार में हिसाब किताब नहीं देखा जाता बच्चा यादव। शट अप। प्यार। देखो मैं तुम्हें सलमान खान से मिलवा दूंगा, लेकिन जब वो चले जाएंगे उसके बाद एक हफ्ते तक लगातार तुम्हें मुझे मिलना सुबह 9 से 5। सलमान सर से मुझे मिलवा दो, मैं लगातार 4 हफ्तों तक रोज तुमसे मिलती रहूंगी। तू तो मेरी गंदी जुराबें भी धो देना, तेरे को मैं तब भी ना मिलवाऊं। बड़ी आई तो जुराबों के साथ साथ बर्तन भी साफ कर देना, शायद मिला देंगे यार, क्या है उसमें। हाँ दीदी, दीदी अगर उनके घर काम कर रहे तो हमारे घर पे भी झाड़ू पोछा कर दो ना प्लीज। कप्पू मेरी बात सुनो, मैं सलमान जी से मिलने ही आई हूँ। कितनी स्वीट है। हाँ, और हम सब इसे ऐसे आए ना तेरे को सलमान से मिलते देखने के लिए।
तो दैट्स योर विश. एक्चुअली मैंने सलमान के लिए एक डांस भी तैयार किया है. अच्छा वाह. सुनो बच्चा ने भी ना थोड़े जोक्स तैयार किए सलमान भाई के लिए, तो वो हम पे टेस्ट कर रहा है पहले. तो तुमने जो डांस तैयार किया वो हम पे टेस्ट करो. कर दो डांस सारा ही आज हम इधर खड़े हैं. कर दो. नहीं 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 देखो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है. टेस्ट तुम वो डांस हम पे भी कर सकते हो. आई एम अवेलेबल. बच्चा तुम आदमी ना होता तो तुम्हें बिरयानी बननी थी. कैसी बातें सोच समझ के बात किया करो. देखो चिंगारी तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो. डेफिनेटली नॉट. तुम्हारे माउथ से बहुत बास आता है. मेरे साथ डांस कर लो चिंगारी. आपके सालसा आती है? मेरे को सालसा? हाँ. साल में दो बार आता है मेरे को. अरे वो सालसा के बारे में पूछ रही है. साल में जो दो बार आता है वो तो अर्चना जी की दाढ़ी होती है. और कप्पू मैंने ना मेरे हाथों से बना के लाए बिरयानी सलमान जी के लिए. जैसे तैसे करके लाइन पूरी कर दी तुमने. वाओ. और चलो मैं ठीक है शो तो ऐसे तैसे चलता रहेगा. हाँ. थोड़ी दे दो मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया. हट बुखर. ये बिरयानी सिर्फ सलमान जी के लिए है. मे बी ही विल लाइक इट. और मुझे अपने फिल्म में ले ले. चिंगारी इधर आ. सलमान खान का तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ किस किस को प्यार करूँ टू. उसमें जितना भी किस किस है ना वो सारा तुम्हारा. और जो प्यार करूँगा वो सारा मेरा. कितना उसमें तो चार हीरोइन थी तो मतलब एक मैं भी कर सकती हूँ. नहीं नहीं इसको नहीं ले सकते. तेरे को लेंगे तो 3.5 हो जाएगा ना. 4 पूरा कैसे होगा हीरोइन का. ऐसे देखो यार ये सब बात में यार देखो कैटरीना जी जब आएंगी ना तो गाड़ी से यहाँ तक उन्हें हम अपने हाथों से लेकर आएंगे. और मैं अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा उनको. हाँ हाँ सलमान की मैं मसाज करेगी. मैं उनके साथ डांस करूंगी. हेलो मैं डांस करूंगी. तुम लोगों को पता तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूंगा. तुम लोगों को मैं बताता हूँ. तुम लोग हटोगे तुम लोग निकलो.